Well, today I am telling about 20 important questions from chapter 1, that is chemical reactions and equations, and these are of long answer type. So note down from here. First question, you are provided with a container made up of aluminium. You are also provided with solutions of dilute HCl, dilute HNO3, ZnCl2 and H2O. Out of these solutions, which solutions can be kept in the aluminium container? Name the type of reaction taking place. Note the answer. Second question, write balanced chemical equations for the following statements. There are five statements. You have to write chemical equations with balanced form. Now note the answer. Now question 3. Reactions of question 3. Now question 4. Part of the questions. Now answer. Now question number 5. Note answer part with reactions. Now question number 6. Answers. Now question number 7. आप सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन भी नोट कर सकते हैं, आंसर आपको जहां से मिले वहां से आप नोट कर सकते हैं। ये 20 क्वेश्चंस हैं और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 9। आंसर। क्वेश्चन 10। आंसर ऑफ क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 11। इसमें रिएक्शन को बैलेंस करना है। यहाँ भी बैलेंसिंग ही करनी है, लेकिन यहाँ पर वर्ड रिएक्शन में दिया हुआ है क्वेश्चन।
इन्हीं दोनों टाइप में से कोई भी एक टाइप आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर स्टेट भी दिया हुआ है। जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है उसका स्टेट भी लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को भी बैलेंस करना है, और जब स्टेट वाला क्वेश्चन दिया हो तो आप जब बैलेंस करते हैं तो उस समय भी आपको स्टेट लिखना होता है, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं। ये डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस को पहले एक्सप्लेन कर दीजिए, साथ में एग्जांपल लिख दीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अक्सर ही आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, नाउ 17, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन 19, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, आंसर विथ रिएक्शन। दैट्स इट। इतने क्वेश्चन की यदि आप तैयारी कर लेते हैं तो आपके 6 मार्क्स कन्फर्म है। आप यदि एक बार में नहीं नोट कर पाए हों तो उसको फिर से देख लीजिए और सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स को नोट कर लीजिए।